सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहाँ भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे, तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, न हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला। हमें नियोजन नहीं मिलती चाहिए।